घरेलू उपाय में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेकर आए हैं, दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा क्यों की जाती है और इसका क्या महत्व है। अगर आप जानना चाहते हैं दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा क्यों की जाती है और इसका महत्व क्या होता है, तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। दिवाली के बाद कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन उत्सव मनाया जाता है। इस दिन बलि पूजा, अन्नकूट, मार्गपाली आदि उत्सव भी संपन्न होते हैं। अन्नकूट या गोवर्धन पूजा भगवान कृष्ण के अवतार के बाद द्वापर युग में से प्रारंभ हुई। दिवाली की अगली सुबह गोवर्धन पूजा की जाती है। लोग इसे अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। गोवर्धन पूजा में गोवर्धन यानी गायों की पूजा की जाती है। गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा गया है। देवी लक्ष्मी जिस प्रकार सुख समृद्धि प्रदान करती हैं, उसी प्रकार से गौ माता भी अपने दूध से स्वास्थ्य रूपी धन प्रदान करती हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि गोवर्धन पूजा का महत्व क्या है। माना जाता है कि भगवान कृष्ण का इंद्रदेव को मान मर्दन के पीछे उद्देश्य था कि ब्रजवासी गौधन एवं पर्यावरण के महत्व को समझे और उनकी रक्षा करें। आज भी हमारे जीवन में गायों का विशेष महत्व है। आज भी गायों के द्वारा किया जाने वाला दूध हमारे जीवन में बेहद अहम स्थान रखता है। मान्यता है कि गोवर्धन पूजा के दिन यदि कोई दुखी है तो पूरे वर्ष भर दुखी रहेगा, इसलिए मनुष्य को इस दिन प्रसन्न होकर इस उत्सव को महत्वपूर्ण भाव से मनाना चाहिए। आशा करता हूँ आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव गोवर्धन पूजा या दिवाली से लेकर चल रहे हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछना या बताना ना भूलें। और दोस्तों, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल घरेलू उपाय अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।